तो आपने कहीं नहीं किया होगा। कहानी आने से केवल लखनऊ तक हाल है। आप ये कहो हम पर्चा फाइल नहीं करेंगे। आप पर्चा फाइल करने देखो देखो दिन का हाल एस डी आर ए गए तो बिना देखो मारपीट कर रहे हमारे आज तो बगा दिए चेक कर कर दिया कपड़ा भारे मारपीट कर रहे हैं लोग क्या होगा कब तुम सामने आएगा हमारे बात बात क्या है ये आए क्यों आए अपने आप ये आए क्यों यहाँ जो पनाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सत्यवीर सिंह भदौरिया उनके भाई का आरोप है कि यहाँ पे अधिकारियों ने उनके साथ अवस्था वगैरह की और मारपीट की। क्या मामला है पूरा यहाँ पर? भाई जितना मुझे जानकारी मिली है वो उनसे जानकारी मिली कि उनको थप्पड़ किसी ने मारा है और जैसा कि वो बताए वो थप्पड़ मारा और ये यहाँ समझा रहे हैं कि एक धारा 144 लगी हुई है। मैं शमशाबाद में पर्चा लगा कर कम से कम 2000 आदमी वहाँ भी था पूरे जनपद में भरे जा रहे हैं। केवल यहाँ ही ये खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डिमोरलाइज करने के लिए पुलिस एक्शन क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आता। मतदान केंद्र से जहाँ पर्चा भरा रहा कम से कम 1.5-2 किलोमीटर ये स्थान है सभी इकट्ठे सभी समर्थक इकट्ठे हुए हैं उस पर इस तरह का व्यवहार अनुचित है स्वीकार योग्य नहीं है। आगे आप लोगों द्वारा क्या मतलब इन अधिकारियों जो कुछ भी होगा उच्च अधिकारियों के इस संबंध में सभी शिकायत की जाएगी किसने क्या हुआ उनका छानबीन वो करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि उनके विरुद्ध एक्शन हो। तो ना कोई कहता मेरी गाड़ी रोक ली हमारी गाड़ी रोक ली तो कौन क्या है किसने नए लड़का नए या पुराने से हमको क्या मालूम। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के साथ अभद्र व्यवहार होगा मारपीट की जाएगी कारण ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और थप्पड़ मारा है कपड़े फाड़े जिस तरह से विवाद किया है वो समायोग्य नहीं है। यहाँ पे हम लोग शिकायत करनी पड़ेगी शिकायत करेंगे और हमने सांसद से भी कह दिया सांसद एडीजी सब जगह बात कर रहे हैं यहाँ तो ये लोग वही भाषा बोलेंगे तो यहाँ बोलने पर्चा तो उसके बाद फिर हम लोग जो आगे भी शिकायत करेंगे उसकी जगह शिकायत करेंगे।